इमरान अपना इंट्रोडक्शन तो करें आप करते क्या है मेरा तालक हंजस है मैं आंट्रप्रनोरशिप स्पेस में ऑलमोस्ट टेन ईयर से काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में और उससे पहले मेरा ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्रीज था मैं कमर्शियल बैंकिंग में रहा हूँ मैं माइक्रो फाइनेंसिंग में रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट स्पेस में रहा हूँ मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड इट्स अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बट बट्सो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स बट आई डन ह्यूमैनिटीज इज़ वेल विच आई थिंक थिंकिंग आंट्रप्रनोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में आप जो है इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों को और लोगों के बिहेवियर को कितना क्लोजली समझते हैं उनके कल्चरल रूट्स को कितना क्लोजली समझते हैं सो so, जो मुझे आपसे कन्वर्सेशन में समझ में आई आप लोगों को पैसा देते हैं जो लोग आते हैं अच्छा आइडिया लेके बिजनेस करने का ऐसा ही है हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं रेलिवेंट एडवाइजरी भी देते हैं और फिर ज़रूरत पड़े तो पैसा भी देते हैं सो so, हमने एक पॉडकास्ट पर छोटा सा शॉर्ट डाला कि जी बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं अक़ल चाहिए इंटेलिजेंस चाहिए आइडिया चाहिए एक्सिक्यूशन चाहिए तो क्या ये सच है ये बिल्कुल सच है और आई थिंक आपके सच को वही लोग समझेंगे जो कि ये कर चुके हैं सक्सेसफुली तो चले मैं अगर एक अच्छा आइडिया मेरे पास मैं कर सकता हूँ मैं आपके पास आऊँ आपको दिखाऊँ क्या आपका क्या प्री रिक्वेजिट है अच्छे का अगर तो आपके आइडिया के बारे में आपको एब्सोलूटली क्लियर है कि आपने क्या करना है हुँ. तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एजम्शन के पैसा मिलने से सारी चीज़ें हल हो जाएंगी ये बिल्कुल गलत है है अच्छा मेरे ख्याल से हमारे तो सारे ये समझते हैं कि भी पैसा नहीं है तो बिज़नेस नहीं है नहीं हो सकता और जिसने भी आज तक बिज़नेस किया है वो उसके बाप के पास पैसा था और वो जो है वो पैसे के बगैर तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता I आप तो उल्टी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दो किस्म के लोग पैसे रेस कर सकते हैं हर किस हर चीज़ के लिए सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है एक वो लोग हैं जो कि लोगों का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं और हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं ट्रस्ट के बेसिस पे पाकिस्तान में पैसा रेस करना बहुत आसान है फैमिली लिंकेजेस की बेसिस पे पैसा रेस करना बहुत आसान है और जिसको पता होता है कि उसको क्या करना है और उसका ट्रस्ट फैक्टर है और लिंकेजेस हैं उसको पैसा रेस करने में कोई मसला नहीं होता राइट right. जिसके पास ना आइडिया है ना ट्रस्ट है ना नेटवर्क है ऑब्वियसली उसके लिए मुश्किल होगी और वो नेचुरली वो बंदा यही सोचेगा कि पैसा आएगा तो मैं कुछ नई चीज़ कर जो ये समझता है कि पैसे के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता ये वही है जिसके पास कोई आइडिया नहीं है आइडिया उसके पास होगा लेकिन वो बिजनेस नहीं कर सकता क्यों क्योंकि उसकी थिंकिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही गलत है वो क्या थिंकिंग think का स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी बिजनेस होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहता हूँ hmm. और उस साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम कितना बड़ा है hmm. और अगर मुझे आई एम सो पैशनेट अबाउट इट मुझे लगता है कि वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ मेरे पास एक टीम है मेरे पास एक प्लान है तो पैसा ढूंढना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है आप छः साल से सात साल से लोगों को स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहे हैं पैसा देते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं आप नहीं बताना चाहते तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है आप किसको देते हैं भाई मैं आ गया आपके पास क्या आप मेरे अंदर देखेंगे क्या कहेंगे हाँ यार इसको ये पैसा देना चाहिए आई थिंक पाकिस्तान में जॉकी में बैट बंदा करता है हॉर्स पे नहीं करता विच मीन्स बैट जो होती है या पैसा जो बंदा लगाता है वो बंदे पे लगाता है घोड़े पे नहीं घोड़े uh, पे नहीं आई थिंक खास तौर पर जो प्री रेवेन्यू कंपनीज है यानी कि आइडिया लेवल है उस पर तो आपको पता है कि आप जितना भी अच्छा प्लान बना लें एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है बंदे पे तो आपने सारी इन्वेस्टमेंट रेडीनेस जो चेक करनी है वो बंदे की चेक करनी है या खातून की चेक करनी है अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है वो रिजिलेट नहीं है वो पाकिस्तान जैसी डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में बिज़नेस करना प्रैक्टिकलिटीज़ को नहीं समझता तो आप बिजनेस आइडिया जितना भी अच्छा हो प्लान जितना भी अच्छा हो आप छोड़ दें उसको एसस करने की ज़रूरत नहीं है तो हमारी जो ज़्यादा फोकस होता है वो बंदे की स्ट्रेंथ पर होता है यानी कि आपके पास अगर कोई आता है कि जी मुझे स्टार्टअप के लिए पैसे दें आप लोग देते हैं आपने बथेरों को दिए हैं

तो उसकी बेसिस पे अगर आप नेचुरली देखें कि अगर एक बंदे में वो कैपेसिटी है इटरेट करने की और आपको पता है कि वो बंदा या खातून छोड़ के नहीं जाएगा वो स्पेस